तुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभ कार्येषु सर्वदा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाला हूँ कि क्योंकि मेरा बाइक को थोड़ा सा मॉडिफाई करवा रहा था, तो अभी चलता हूँ छोटा सा राइड से ऐसे घूमने के लिए। थोड़ा आप लोग को बाइक का वो दिखा दूँगा कैसे मैंने मॉडिफाई किया है थोड़ा मोड़ा। अभी और काम बाकी है बट धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए चलते हैं थोड़ा बाइक की तरफ और आप लोग को थोड़ा सैर भी करा देते हैं और फिर डालते हैं अपना। शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से मैंने कंटेंट डाला नहीं, बट मेन रीज़न था कि मेरा बाइक जो है ना वो मॉडिफाई के लिए थोड़ा दिया था, तो काफ़ी टाइम लगा दिया। मतलब कि हल्का फुल्का मॉडिफाई किया हूँ, बट उसके पास काम इतना था कि टाइम उसको फुर्सत ही नहीं कि और करे। मैं कैसे भी करवा के धीरे धीरे करवा के मैंने तब कि अपना थोड़ा मॉडिफाई करवाया हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो अभी भी मॉडिफाई मेरा तो बहुत बाकी है, तो आगे और करवा लूँगा क्योंकि अभी उसमें बहुत काम बाकी है। अभी मिरर लगाना बाकी है, तो मैं मिरर तो साइड वाला लगाऊँगा जो हैंडल में सेट होती है वही वाली। और उसके बाद काफ़ी दिनों से मतलब कि कंटेंट डाला नहीं था, सोचा कि चलो गाड़ी आ गया है तो इसी बहाने थोड़ा जाते हैं पार्क साइड, उधर ही अपना कंटेंट बनाएंगे और आप लोगों को थोड़ा दिखा देंगे कि हाँ कि थोड़ा सा हमने हल्की फुल्की मॉडिफाई की है बट कैसी लग रही है वो लोग आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो मैंने अभी फ़िलहाल उसमें काफ़ी खर्च कर दिए हैं, तो अराउंड में बता नहीं सकता, मैंने काफ़ी खर्च हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गाड़ी अच्छी लग रही है और पहले से क्या भागती है, एकदम ज़बरदस्त भाग रही है। चला के तो मज़ा ही आ गया कि काफ़ी दिन के बाद गाड़ी हाथ में लगी है, तो भाई एक्साइटिंग तो रहते ही है, क्योंकि जिस गाड़ी पर हाथ एक बार बैठ जाता है फिर अगर वो गाड़ी उसकी गाड़ी की जगह दूसरा गाड़ी मिले तो मज़ा नहीं आता चलाने में। यहाँ से गार्डन का तो लुक तो गजब दिखता ही है भाई, कभी समय मिलेगा तो मैं ले जाके आपको गार्डन का भी शेयर कराऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि समय थोड़ा कम है, एक्चुअली मैं भी डे ड्यूटी से आया हूँ, तो शाम को ही मेरे को गाड़ी मिला तो सोचा कि चलो जाके आपको कंटेंट दे देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि गाड़ी कैसी बनी है। तो अभी मैं यहीं पे गाड़ी साइड में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसी बनी है। ज़्यादा मॉडिफाई नहीं है, हल्की फुल्की है लेकिन ज़बरदस्त लग रही है। और आप लोग कैसी लग रही है वही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें ये जो टायर है ये वाली नहीं पीछे वाली, इसमें साइड में नीचे कलर लाइट डाला है, उसके बाद यहाँ पे रेडियम मारा है और इंडिकेटर भी सब चेंज है, क्योंकि इसका इंडिकेटर नहीं है, एक इंडिकेटर अलग से लगाया मैंने। तो सामने मैंने अपना चैनल का लोगो मरवाया है ऊपर। और जहाँ तक देखा जाए तो फिर अगर पीछे की बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी काफ़ी ब्रॉड लगती है, मतलब काफ़ी भारी दिखने में लगती है। वैसे भारी तो दिखती भी है ऐसे भी, लेकिन फिर भी ठीक है। और जहाँ तक है इसका सवाल है टायर का, तो टायर इसमें 140 mm आती है, तो मैंने इसमें थोड़ा बड़ा टायर डाला है और बैकलाइट एकदम अलग ही डाला है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और टायर तो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब काफ़ी चौड़ी टायर है इसमें, तो थोड़ा माइलेज का डिफरेंस हो जाता है चौड़ा टायर डालने के बाद। लेकिन जब थोड़ा जब इसी लाइन में हम लोग हैं ही तो थोड़ा कुछ अलग दिखना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो देखिए टायर कितनी चौड़ी है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो लुक सामने से क्या दिखती है, एकदम खतरनाक दिखती है एकदम। और पीछे से तो पूछो ही मत, एकदम लगती है खुली सांड खुली सांड के तरह लगती है। वैसे साइड का भी अभी ऊपर टैंक तो टैंकी दिख रही है, टैंकी वो टैंकी पर भी मैंने अपना रेडियम थोड़ा मरवाया हुआ है। उसके बाद इंडिकेटर फोर स्विच करवाया हुआ है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें
अलग से लगी हुई है। तो अभी इसमें और काम मॉडिफिकेशन का बाकी है। तो अब मॉडिफिकेशन में क्या है, जैसे रेडियम मरवाना, तो रेडियम मरवाना बाकी है, तो आगे चल के मैं करवाऊँगा इसको। लेकिन अभी देखिए, अभी साइड से लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो फ्रंट हो गई आपकी। हेडलाइट में भी रैपिंग करवाया है मैंने, हेडलाइट काफ़ी चौड़ी दिखती है, बट मैंने इसको साइड से रेडियम मार के पतला किया है, इसलिए काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और बाकी में जो भी है इसका, वो मैं आपको दिन में कभी जब राइडिंग पे जाऊंगा, जैसे संडे हो गया, संडे को टाइम मिलेगा, तो उसके बाद मैंने साइड से भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि काऊ इसका जो नीचे का अपना कवर वगैरह होता है वो सब मैंने निकाल डाला है चक्के के पास से। तो यहाँ से देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, यहाँ से देखने में एकदम लय भारी, एकदम खुली सांड लग रही है, बट मज़ा आ गया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो वैसे इसका साउंड तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि लाउड है, फिर भी क्योंकि फ़िल्टर निकाला हुआ है तो साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड आता है, माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा इंजन में कचरा जाने का डर रहता है। बस मैंने उसको सही तरीके से वो करके मैंने इसमें सेटिंग किया है कि अंदर कचरा ना जा पाए। और बाकी जब बाकी जो भी है सब आप लोगों की दुआ से चल रहा है, अच्छा है। ऐसे ही हम मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए ताकि आपका भाई आगे बढ़े। और यहाँ से तो अब हम लोग रिटर्न घर पे ही चलेंगे, क्योंकि मुझे बस आप लोगों को थोड़ा गाड़ी का लुक दिखाना था और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था तो राइडिंग की, तो राइडिंग का टाइम जब मिलेगा, जैसे संडे को टाइम है मेरे पास, संडे के 7 बजे के बाद मैं जाऊँगा हाईवे साइड में, तो वहाँ पर राइडिंग किया जाएगा और बाकी सारी बातें काफ़ी सारी। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और मुझे रेस्ट भी करना है, मैं आके रेस्ट भी नहीं क्यों, गाड़ी मिला तो एक्साइटिंग में चला आया थोड़ा आप लोगों को कंटेंट देने। तो अभी तो हम तो अपने घर की तरफ चल रहे हैं। और हाँ, ये हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलता हूँ कि सेफ़ ड्राइव सेफ लाइफ, ड्राइव करो तेज़ी में चलाओ, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ समय के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं धीरे ही चलाता हूँ, मैं भी तेज़ चलाता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि समय के हिसाब से कैसा समय है। अगर मान लो कि कभी लेट हो जाता है, मुझे भी जल्दी नींद नहीं खुलती है, सुबह ड्यूटी जाना रहता है, तो मैं भी फास्ट भाग के जाता हूँ, लेकिन सुबह क्या है कि रास्ता खुला भी रहता है। और उसके बाद मान लो कि अब भीड़ भड़ाके में ज़्यादा तेज़ चलाना वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मान लो भीड़ भड़ाके में चला रहे हो, किसी को लग गई तो खाली पकड़ कर लो चलाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सेफ ड्राइव करें, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, क्योंकि उससे आप खुश, आपके परिवार खुश, आप भी आराम से चैन से सो, सामने वाला भी चैन से सोएगा। तो अभी हम अब तो पहुंच गए अपनी गली में, बाकी सारी बातें अगली वीडियो में होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधानी से एकदम ड्राइव करें और अच्छे से, क्योंकि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार मिली है तो उसे सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, कि पता नहीं दोबारा मिलेगी ना या ना मिलेगी, लेकिन हाँ ये जो पल है वो नहीं, दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए सेफ ड्राइव। चलिए हम पहुंच गए अपने घर पे, अब चलते हैं, थोड़ा वीडियो देखा जाए कि कैसा है, वो है लुक कैसा दिख रहा है। वैसे आप लोगों को शायद पसंद आया होगा कि थोड़ा काम बाकी है उसमें, रेडियम वगैरह उसमें मरवाना है, तो थोड़ा सा काम मेरी गाड़ी में बाकी है, बस उसको भी जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। इसी चक्कर में बीच में वीडियो नहीं डाल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि गाड़ी मॉडिफाई के लिए थोड़ा दिया था। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आइए हमेशा की तरह भी एक बात बोलूँगा, सेफ ड्राइव सेव लाइफ, केयरफुल।